जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये जी इंक्यूबेटर, इसकी पहले वीडियो अपलोड हुई भी है जी, तो ये उसकी सेकंड पार्ट है। मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ इसकी एक और वीडियो शेयर करूं, इसकी सेटिंग की, जो इसका टर्निंग कार्ड लगाया है ना, उसकी सेटिंग अब मैं आपको बताने लगा हूं। तो मैं पहले बता चुका हूं जी, इस इंक्यूबेटर में जो प्रॉब्लम था, कोई चीज़ काम नहीं कर रही थी। ये देख रहे हैं आप, ब्लिंक कर रहा है, इसकी एरर भी आ रहा है, मगर मैंने निकाल दिया ताकि शोर ना करे, तंग ना करे। कैंडलिंग के लिए ये कैंडल वाली मैंने लाइट ओके की है, इसके साथ ये बटन लगाया है, ठीक है। इसी तरह की मैंने और देसी अल्ट्रेशनें की हैं, लेकिन सफाई के साथ आपको नज़र आ रही होंगी। इसके बाद ये कार्ड लगाया, ठीक है, टर्निंग के लिए ये कार्ड लगाया 1209 हीट कंट्रोल के लिए। अब इसकी सेटिंग करने लगे हैं जी, जो इसके टर्निंग की है, यानी ऑन ऑफ मोटर के लिए, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। तो मैंने थोड़ी कर भी दी है, तो मैंने कहा चलें दोस्तों को भी बता दूँ। P3.2 इसकी सेटिंग है जी, जो इंक्यूबेटर में इस्तेमाल होती है। बाकी ये कार्ड बहुत वसी है, इसमें बड़ी लंबी चौड़ी सेटिंग है, तो किसी भी मकसद के लिए कोई भी मोटर, कोई भी चीज़ इसके साथ इस्तेमाल की जा सकती है अपने पर्पज़ के लिए। ये आर्डिनो बोर्ड के साथ, यानी मुख्तलिफ काम है इसके। बहरहाल अब भी हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं, हम वही फोकस रखेंगे अपना। P3.2 फिर प्रेस करेंगे ओपन। ओपन से मुराद ये चले कितनी देर के लिए, जब ये ऑन हो तो ये कितनी देर के लिए ऑन हो। मैंने इस पे रखे हैं 10 सेकंड, ठीक हो गया। और जिन भाई को ये देना है, उनकी रिक्वायरमेंट है ये 2 घंटे के बाद एक रोटेट करे, 2 घंटे से मुराद 120 सेकंड, ठीक है जी। इसमें ये एक फंक्शन है कि ये जो आप एक पॉइंट देख रहे हैं, ये है सेकेंड, और स्टॉप के बटन के साथ जब ये ब्लिंक आ रहा हो तो प्रेस करेंगे तो ये मिनटों पे की तरफ होगा। ये अभी 12 मिनट हो गए, इसको एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे तो ये 120 मिनट हो गए, ठीक हो गया जी। ये इसकी होगी जनाब क्लोज की सेटिंग 120 मिनट की। एक मिनट शोर है, मैं दोबारा माजरत दोस्तों, ट्रैफिक जो है वो जैम हो गई थी सामने बाजार में, तो बारह ये 120 मिनट हो गए जी, ये सेट हो गया जी। दोबारा करेंगे तो लूप आ जाएगा। लूप वो है कि जी आप इसको क्या करना चाह रहे हैं, यानी ये कितनी दफ़ा ये वाला वर्क करे, यानी ये जो रोटेशन है ये कितनी दफ़ा करे। अगर इस पे आप ये टाइम दे देंगे तो ये उतनी दफ़ा करेगा, यानी एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं ये बार बार ये करता रहे, यानी कंटिन्यूस रखे। तो उसके लिए हम इसके ये वाला ऑप्शन इन्फिनिटी, ठीक है, ये इसकी यानी कंटिन्यूटी है बेसिकली, कि इसमें किसी किस्म की हमने कमांड नहीं दी कि तू एक दफ़ा या दो दफ़ा ना कर, इसको लगातार करता रहे जितनी दफ़ा भी तुझे यानी हम ऑर्डर दें। तो ये जितनी दफ़ा भी इसको ऑर्डर आएगा ये उतनी दफ़ा करता रहेगा, ये इसका इन्फिनिटी है जी। इसके बाद इसको हम सेट पे क्लिक करेंगे तो ये 3.2 पे आएगा और ये इसकी सेटिंग होगी जनाब, ये इसकी सेटिंग है जी। तो ये 120 अभी आपके सामने 120 मिनट लिखे आ रहे हैं, तो अभी आप देखें ये कम होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, यानी कि 120 से 119 पे जाएंगे, फिर 118 पे जाएंगे, खुद ही ऐसे ही टाइम टू टाइम। और जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा तो ये 10 सेकंड के लिए एक दफ़ा रोटेट करेगा, और 10 सेकंड इस छोटी सी पोजीशन के लिए बहुत हैं। अगर ज़्यादा भी करने होंगे तो हम उसकी सेकंड की जो पोजीशन है ओपन वाली, वो हम थोड़ी बढ़ा देंगे, यानी कि 10 सेकंड की बजाय हम 20 सेकंड कर देंगे, 25 सेकंड कर देंगे, 30 कर देंगे, जितनी हमें रिक्वायर होगी, जितनी आपको ज़रूरत हो आप उस हिसाब से ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये जी आज की सेटिंग थी, और साथ ये लगा हुआ है जी 1209, इसकी सेटिंग भी बहुत आसान है। चलें उन दोस्तों को जिनको पता नहीं है उनके लिए एक वीडियो में ये भी इसकी सेटिंग कर देता हूँ, बहुत आसान है। ये इसकी सेटअप है, क्लिक करेंगे ब्लिंक करेगा, ठीक हो गया जी। एक दफ़ा यहाँ से इसकी सेटिंग होती है जी 37.5 37, जो भी आप करने चाहें, और मुसलसल क्लिक करके रखें तो ये P0 आ गया जी। P0 में ये C होता है जब ये नया आता है, ठीक हो गया। तो इसको आप H करेंगे, H में ना हीट, C में ना कूल, ये दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, हीट के लिए भी, कूल के लिए भी, आप किसी भी मकसद के लिए सर्किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये एक और सेटिंग है इसकी, P0 के बाद इसको H हो गया, P1 कितनी देर के लिए ये हीटर या जो भी कूलिंग या हीटिंग ऑन करे और उसके बाद बंद हो जाए, या उसके दरमियान का जो फासला है वो है जनाब 0.5, यानी कि 5 डिग्री, जैसे ही नीचे आए ये दोबारा ऑन हो जाए, जैसे ही पूरा हो वो बंद हो जाए,
ठीक हो गया जी। इसमें यही दो चीज़ें जो हैं ये काम की हैं, बाकी जो है वो और सेटिंगें भी हैं, P2 भी है इसमें, यानी कि ये मैक्सिमम है इसका, P3 है, P4 है, P5 बार, वो हमें इनक्यूबेटर में ज़रूरत नहीं पड़ते। ठीक हो गया जी, ये इसकी सेटिंग है। मैंने कहा चलें दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ये अभी ये टेस्टिंग पे लगा है जी, बेहतरीन काम कर रहा है, कोई इसमें मसला मसाइल नहीं है फिलहाल, बस अभी ये ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, दुआओं में याद रखें, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।